हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरोका के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स यानी IPL 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगे बात करते हैं इनका टीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स IPL के इतिहास में एक महान और सफल टीम के रूप में उभरी है, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार IPL का टाइटल जीत के आ रही, जिसमें एक बार उन्होंने टीम को अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन भी बनाया, जहाँ पे धोनी के अनुभवी नेतृत्व में टीम को टाइटल विनिंग टीम स्पिरिट की भावना में इंप्रूवमेंट मिला। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली जैसे दिग्गज बल्लेबाज टीम को मजबूती स्थायित्व प्रदान करे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जहां पर रविंद्र जडेजा, मोइन अली जैसे ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए विभिन्न परिस्थितियों में बॉलिंग की क्षमता प्रदान करते हैं, अपनी टीम के लिए एक हमेशा मैच विनिंग फैक्टर भी रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विकेट कीपर्स से। तो दोस्तों आपको इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में IPL 2024 में 3 विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाली। तो पहली प्लेयर की बात करें जो कि महेंद्र सिंह धोनी है, दूसरी प्लेयर डिवॉन कॉनवे है, तीसरी प्लेयर अवनीश राव अरावली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बैट्समैन है। दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स में आपको कई सारे बैट्समैन भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, शेख राशिद है, अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑलराउंडर है। दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स में ऑलराउंड परफॉर्मेंस टीम के लिए रेट की हड्डी है, जो इस टीम की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण भी रहा है, जो कि कुछ प्लेयर इस प्रकार है की बात करें जो कि मोइन अली है, शिवम दुबे है, राजवर्धन है, अजय मंडल है, निशांत सिंधु है, अचिन रविंद्र है, डैरी मिचेल है, शार्लू ठाकुर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिन बॉलर्स है। दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स में आपको स्पिन बॉलिंग की कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली प्लेयर की बात करें जो कि रविंद्र जडेजा है, मिचेल सैंटना है, महेश थिस्करा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स में आपको कई सारे फास्ट बॉलर भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहली प्लेयर की बात करें जो कि दीपक चहर है, दूसरा तुषार देश पांडे है, मतीसा पथिराना है, सिमरजीत सिंह है, प्रशांत सोलंकी है, मुस्तजुर रहमान है और मुकेश चौधरी है। करते हैं अब आगे बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं। तो पहली प्लेयर की बात करें जो कि डिवॉन कॉनवे है। डिवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के एक उज्ज्वल ताकतवर बल्लेबाज है, जो कि IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्य के रूप में अपना परफॉर्मेंस करता है। इनका शानदार बल्लेबाजी मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का सुझाव देती है। डिवॉन कॉनवे उनके स्वीट बल्लेबाजी और सॉलिड तरीके के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने अपनी ताकतवर प्रदर्शन से टीम को मजबूती प्रदान की है और मैच संघर्ष स्तर पर उच्च स्तरीय बल्लेबाजी की उत्कृष्टता दिखाई है। उनकी विशेषता एकमात्र नहीं है बल्कि उनकी तेज गति, अच्छी बैटिंग तकनीक और अच्छी समझ से क्रिकेट को अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। डिवॉन कॉनवे का सामरिक खेल विभिन्न परिस्थितियों में टीम को अच्छा सहारा प्रदान करती है, एक अच्छे बैटिंग के रूप में यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। अब बात करते हैं दूसरी प्लेयर जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ IPL के चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी करने वाले एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया, अपनी सुधारी बल्लेबाजी के लिए पहचान बना रखी है। पिछले सीजन उनका शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, हर एक मैच में जीत भी दिलाई, जहां पर ऋतुराज की बल्लेबाजी, तेजी, स्थिरता और अच्छी तकनीक उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बनाती है। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि अजिंक्य रहाणे हैं। भारतीय क्रिकेट अनुभवी खिलाड़ी के रूप में अजिंक्य रहाणे अपनी विशेष बल्लेबाजी के लिए चर्चा का केंद्र बनाया गया। उनका शानदार परफॉर्मेंस हर एक मैच में काफी अच्छा देखने को मिल रही है, जहां पे पिछले सीजन में रहाणे कई मैचों में महत्वपूर्ण रोल भी निभाया, उनके बल्लेबाजी टीम को जीत सहारा दिया, उनका योगदान टीम के लिए अत्यंत मौद्रिक है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि डैनियल मिचेल है। तो IPL में डैनियल मिचेल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट स्थान बना रखे हैं। यह युवा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अपने बेहतरीन क्रिकेट क्षमताओं के लिए चर्चा में है। उनकी तेज बल्लेबाजी, स्थिरता, स्मार्ट बैटिंग उन्हें एक एक मुख्य स्टार बनाती। पिछले सीजन में बात करते हैं जहाँ पर उन्होंने हमें कई सारी टीम को मैच में उच्च स्कोर से भी मैच भी जीता है, जिन्होंने टीम की सफलता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करते नेक्स्ट प्लेयर जो कि रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र IPL में जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिन गेंदबाज के रूप में अपने प्रतिष्ठित खिलाड़ी के साथ मुकाबला का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने अनूठी स्लो गेंदबाजी और सजीव बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। उनका योगदान टीम के लिए मजबूती देता है, उनके बल्लेबाजी मैचों को बदलने की क्षमता दिखाती है। पिछले सीजन में उन्होंने अपने कूदने मुकाबले जाने वाले मोमेंट्स के चर्चा में रहे। चेन्नई सुपर किंग्स में हर एक मौके पर वो काम आ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि शिवम दुबे। शिवम दुबे IPL 2024 में जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर के रूप में उत्कृष्ट स्थान बना रहे हैं। यह युवा भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। उनकी तेज बल्लेबाजी मैचों में धासु प्रदर्शन करता है। उनकी गेंदबाजी टीम को महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मोमेंट्स के लिए उनका एक
अच्छा क्रिकेट में समझ खेलने की जिज्ञासा उन्हें एक सामर्थ्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि महेंद्र सिंह धोनी है। आईपीएल के महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बल्लेबाज के रूप में अपने शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं मशहूर है, जहां पर कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी ने इस टीम को अनगिनत सफलता भी दिलाई है। उनकी आलसी बल्लेबाजी, ठोस कैप्टन और सुधार विशालशीलता चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बना दिया। उनका योगदान टीम के लिए इंपॉर्टेंस है। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने कई बार आईपीएल का खिताब भी जीता। अब बात करते हैं आठवें प्लेयर जो कि रविंद्र जडेजा है। आईपीएल 2024 में रजिन जवीडा जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में उच्च स्थान पर है। उनका योगदान बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग शानदार है, जिसमें उन्हें एक संपूर्ण क्रिकेटर के रूप में पहचाना जाता है। उनकी तेज बल्लेबाजी, स्लो गेंद माहिरी टीम ने आवश्यक मोमेंट पर ब्रेक थ्रू दिला देते। जडेजा की समर्थ गेंदबाजी, जिज्ञासा, फील्डिंग की क्षमता उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अद्वितीय खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने कभी गेम को पलट सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि शार्दुल ठाकुर है। आईपीएल के शार्दुल ठाकुर जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज के रूप में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनकी तेज गति, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी उन्हें एक टिक महत्वपूर्ण गेंदबाजी बना दिया। पिछले सीजन में उन्होंने मैच में कई सारे टीम को बचाया। उनकी गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उच्च स्तर पर उत्कृष्टता दिखाई। शार्दुल ठाकुर आत्मविश्वास, अच्छी गेम फील्डिंग और अच्छे मैच में परफॉर्मेंस करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि दीपक चहर है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 में दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स के पेस गेंदबाजी के रूप में उच्च स्थान है। उनका उच्च गेंदबाजी मैच में दमदार परफॉर्मेंस करता है, टीम को अच्छे लेवल पे भी लेकर जाती है। उनकी स्विंग और गेंदों का स्थान भी डालने की क्षमता को टीम को विभिन्न स्थितियों में बदलने का एक मौका भी देती है। दीपक चहर जहाँ पे अभ्यास है और बदलते समय प्लान मैच के महत्वपूर्ण गेम को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि मुस्ताफिजुर रहमान है। आईपीएल 2024 में जहाँ पे मुस्ताफिजुर रहमान चेन्नई सुपर किंग्स के पेस गेंदबाज के रूप में चमक रहे हैं। बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज का चेन्नई को एक विकेट लेने और बचाने का एक और सकारात्मक प्रभाव विशाल प्रदान करता है। अच्छे बॉलिंग भी है, अच्छे पेस बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पे वो चेन्नई सुपर किंग्स के कभी भी वो गेम को पलट सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। दोस्तों फाइनली हमने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर भी बात करी, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं। हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट। फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कस कर